हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही अपने एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन की अंकित प्रश्न का पार्ट वन आपने देख लिया होगा। अब हम बिलियन लेसन के चैप्टर वन की केमिस्ट्री के मैं आगे बात कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और रह चुके थे, उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके पहले का यदि आपने लेक्चर ना देखा हो तो उस लेक्चर को अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए एक एक कर हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। सवाल देखिए, आप खुद देखते हैं अपने सामने। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प, किसी भी चीज का वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर, उसको हम पी नॉट से लिखते हैं, कितना है 17.53 mm। फिर कहता है 100 ग्राम, तो भैया 100 ग्राम हो गया। जल में 6 ग्राम, तो भैया आपका ये 6 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम बड़ी मात्रा है तो बड़ा डब्लू, छोटी मात्रा है तो ये छोटा डब्लू। इसी प्रकार समझाया था मैंने आपको। 6 ग्राम युक्त यूरिया है, मतलब यूरिया बोले तो NH2CO NH2, ये यूरिया कहलाती है। इस यूरिया का निकालेंगे हम अणु भार, क्यों इसी का क्यों निकाल रहे हैं हम, इस जल का क्यों नहीं निकाल रहे हैं। जल का इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि जल विलायक है और 6 ग्राम यूरिया विलेय है, तो जो विलेय होता है उसी का अणु भार निकालते। तो आपको पहले लेक्चर में बताया था इसका अणु भार कितना था 1660। अब वो कहते हैं बिलियन का वाष्प, वाष्प को लिखते पी से, बिलियन कह रहा था तो पी एस क्वेश्चन मार्क, ठीक है निकाल लीजिए। अब अगर इस देखो फॉर्मूला लगाया मैंने पी माइनस पी एस वाई पी इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम एंड कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ये बड़े डब्लू के हैं तो एक किसका होता है वाटर का, तो वाटर का कैपिटल एम निकलेगा, टोटल 18 निकलता है क्योंकि यहाँ पी एस निकालना है। तो की पी कितना 17.53 माइनस पी एस आपको निकालनी है, और पी नॉट कितना है 17.53 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 6 ग्राम, कैपिटल एम कितना 18, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100, स्मॉल कितना 60। आराम से हल कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं। तो मैंने इसका लिखा पूरा 70.53 माइनस पी एस, ठीक है वाई 70.53। अब इस टोटल इसको आप हल करेंगे तो समथिंग कुछ निकल के आएगा 0.018, मैंने करके रखा है, ठीक है। आप इसको इसमें गुणा कर देंगे तो देखो क्या होगा, दिखाई दे रहा ना क्लियर। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे तो क्या होगा 17.53 माइनस पी एस इक्वल टू 0.018 इंटू 17, इसको हो जाएगा 0.53, ठीक है। अब ओनली पी एस इक्वल निकालेंगे, यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ओनली पी एस इक्वल टू निकालेंगे आप तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ हो जाएगा, तो क्या होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो समथिंग माना जो आपका आएगा, इसका जो करेंगे मैं यहाँ करके दे रहा हूँ आपको, वो आएगा 0.3155। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, मैं पहले से करके रखा हूँ। अब क्या होगा जी, हाँ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अर्थात 17.53 माइनस 0.3155। तो पी एस इक्वल टू जब हल करेंगे इसको 70.21, अरे 17.25 mm, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपको हल करना है, ये आपका पहला कंप्लीट हो गया होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना था तो पी एस क्वेश्चन मार्क हो गया।
भागीदार कंप्लीट होने के बाद अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपसे। देखिए अगले क्वेश्चन पर यदि देखें तो आप खुद देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कहता है एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया उन्होंने, वाष्प दाब, वाष्प दाब को लिखते हैं पी से या पी नॉट से, इक्वल टू कितना है 200 mm और पारा लिखा है, पारा मतलब मरकरी एच जी, ठीक। फिर कहता है समान ताप पर टेम्परेचर सेम है उस स्थिति में 78 ग्राम बेंजीन, इसका मतलब ए बी डब्ल्यू, और 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मतलब ये छोटा डब्ल्यू तो छोट स्मॉल डब्ल्यू, ये बड़ी मात्रा तो ये बड़ा डब्ल्यू, ठीक। लेकिन 78 ग्राम क्या है बेंजीन है, 78 ग्राम क्या है बेंजीन, तो बेंजीन मतलब C6H6, इसका मॉलिकुलर वेट हम लोग ज्ञात करेंगे इस, तो ये कैपिटल डब्ल्यू अर्थात ब्लैक की मात्रा है, तो कैपिटल एम होगा, और कैपिटल एम होगा तो इसका 78 निकलेगा, और इसका स्मॉल एम आप हम क्वेश्चन ने पूछा ही है, ठीक है। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब आपने लिखा 78 ग्राम जी थी और 2 ग्राम ये था, तो छोटी मात्रा है छोटा डब्ल्यू और ये बड़ी मात्रा है तो बड़ा डब्ल्यू देगा। अब ये बेंजीन के लिए बात का, तो ये अवाष्पशील विद्युत अनपघट है, तो बेंजीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है और वेट मॉलिकुलर वेट निकालें तो 78 निकलेगा। और इसका क्वेश्चन ने कहा है देखो ठोस का अणुभार, ठोस क्या था 2 ग्राम था, अब बस इतना होने के बाद देखिए आपका दिया है और मैं विलयन का वास्तव लिखा, विलयन का वास्तव कहो पी एस 195 mm एच, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए देखो पी माइनस पी एस बाई पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, रखे मान तो पी का मान कितना 200, पी एस का मान 195 और 200, स्मॉल डब्ल्यू कितना 2, कैपिटल एम कितना 78, कैपिटल डब्ल्यू कितना 78, स्मॉल एम कितना है निकालना ही है आपको, इसे कट गया ये क्या होगा 5/200 इक्वल टू 2/m, ठीक है। अब कैसे जुड़ा कर देंगे, ठीक, तो 5m इक्वल टू क्या होगा 2×2=400, ठीक है, तो m बराबर कितना होगा 400/5, ठीक, और 5×8=40 तो 80 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपने पहले भी सीख ली होंगी क्योंकि अणुभार ज्ञात करना किसका निकालते हैं किसका नहीं निकालते हैं ये कई बात हो चुकी होगी, बताइए समझ में आ गई। ये दो न्यूमेरिकल थे, ऊपर से देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये पहला न्यूमेरिकल था जो सॉल्व करके दिया इसकी शॉट ले लीजिए, और ये आप देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल था, देखिए ठीक। अब अगले चलिए ये लिखा है 25 ग्राम विलायक, तो सीधी सीधी मात्रा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 25 ग्राम विलायक कह रहा है वो खुद, विलायक कहे तो इसका मतलब है बड़ा डब्लू, और 4 ग्राम सुक्रोज छोटी मात्रा है तो छोटा डब्लू, और सुक्रोज है ना ये सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H2O11, तो आप इसको कभी भी निकाल के भी देखेंगे तो देखो कार्बन का होता है 12 और 12 वो खुद है तो 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितना 22 प्लस ऑक्सीजन कितना 16 वो कितना 11, इसको जब हल करेंगे तो 3×4=2 इतना आएगा, ठीक है। घोलने पर क्वथनांक में क्या हो रहा है देखिए आप 0.02 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब है टी है, वो कहता है क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बी, इसे लिख दिए डेल टी बी। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, फॉर्मूला केवल एक ही है वो है एम बराबर 100×kV×SW/W×ΔT, ठीक है। अब इस बात को ध्यान देना, यहाँ
होने के लिए होता तो 1000 है, 1000, यहाँ 100 इसलिए क्योंकि उसने कहा था आणविक के लिए, आणविक कहे तो यहाँ 100 होगा, मोलल कहे तो यहाँ 1000 होगा। अब इसको मान दी, एम का मान क्या है 342, 100 आपका दिया है, के बी क्या ना उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक का हो के और उन्नयन के लिए हो गया तो बी, के बी क्वेश्चन मार्क, तो के बी जा कितना, स्मॉल डब्ल्यू कितना आपका 4, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 25, और डेल टी भी कितना 0.02। आप इसको हल करेंगे तो के बी इक्वल टू आपका आंसर आएगा 5.18 के समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं पहले से भी हल करके रखा हूँ सर। ठीक है, ये तो कट जाएगा 25 जगह से, जैसे कट जाएगा इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर। ये करके देख रहे क्या पता आंसर ऐसा ना आ रहा होगा, देखो अभी इसको छोड़िए आप कर रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग भी हो सकता है, 25 चुको 100 हो गया। आप क्या करना है, 2 2 4 और 4 2 8। ठीक, तो ये समथिंग आप देखिए, यहाँ रॉन्ग बता रहा था मैं आंसर आपको, देखिए तो क्या होगा, कैची गुणा कर दें हम इसको, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा इसके समय, तो 8 के बी इक्वल टू 342 इंटू 0.01 कहलाएगा, तो 2 अंक सामने से इधर आ जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा आपका, तो के बी बराबर क्या हो जाएगा 3.42/8। इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 8 से 24 832 क्या होगा, 3.42 को भाग देना है 8 में, तो कितना आएगा 0.03475, ये आएगा आपका के बी का मान। मैं थोड़ा दूसरे का आंसर बता चुका था, बता रहा था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं 15वें नंबर, क्योंकि इसके पहले हम आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका था। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे हम अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कहता है, एक यौगिक के 4 ग्राम को, तो लिख रहा हूँ 4 ग्राम और 240 ग्राम, बड़ी मात्रा ये तो ये बड़ा डब्लू, ये छोटी मात्रा तो ये छोटे डब्लू। घोलने पर एक यौगिक के 4 ग्राम को 240 ग्राम जल में, मतलब इसका क्या जल की बात हो रही है, घोलने बेलन का क्वथनांक एक बार निदाब पर कितना दिखा रहा है 100.0, क्वथनांक मतलब डेल टी बी जो देखा 100.065°C, इसमें से क्या कर देंगे हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे मतलब घटा देंगे, तो आपका केवल केवल 0.065°C आ जाएगा, क्योंकि वो 100 ग्राम के लिए पूछता है, तो जो भी ऐसा मान लीजिए क्वथनांक में जब भी हल करोगे दशमलव के बाद जो भी यहाँ मानोगे उसको 100 से अलग करना है, क्योंकि 100 ग्राम के लिए वो होता नहीं है, या मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिलियन का जो क्वथनांक होता है वो ये समझ लीजिए बिलियन का क्वथनांक दिया है और हमें बिलियन क्वथनांक घटाना है जिससे ब्लैक क्वथनांक आ सके, इसलिए करते हैं हमेशा। ठीक है, आपका दें अणुभार ज्ञात करना, चली ले के बी आपको दिया गया है 5.31 और के बी जो दिया है वो किसके लिए दिया है, 100 ग्राम के लिए दिया है, 100 ग्राम मतलब मोलल के लिए, वही सूत्र ऊपर वाला एम बराबर 100 × KB × स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू डेल टी बी, स्मॉल एम क्या बच्चा निकालना है, सो आपका है के बी 5.31 × स्मॉल डब्लू कितना है, ये आपका 4 ग्राम, कैपिटल डब्लू कितना है, कैपिटल डब्लू आपका 240 और डेल टी बी कितना है 0.65। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो स्मॉल एम बराबर 1.42 आंसर का। ठीक है, समय भी वेस्ट ना हो और न्यूमेरिकल सही से ऐड हो जाए, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि ये काट कर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री टी बी होना, तो बी 100 इसलिए खड़ा है क्योंकि ये बिलियन का होता है पूरा, हमें चाहिए बड़ा जी बिलियन के लिए जी ब्लैक के लिए, इनमें बिलियन में से ब्लैक खड़ा है तो ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए अगर 16 नंबर क्वेश्चन पर बात करें, देखना
क्वेश्चन कहता है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम, देखिए 2.5 ग्राम और क्या लिखा है 100 ग्राम, 2.5 ग्राम कोई पदार्थ होगा और 100 ग्राम बेंजीन है, 2.5 ग्राम मतलब स्मॉल डब्लू, ये बड़ी मात्रा है तो ये ठीक है। आइए वो कहते हैं शुद्ध बेंजीन क्वथनांक से 0.42 डिग्री सेल्सियस की अधिकता पर उबला, ये दिए डेल टी बी, उन्नयन की बात हो रही ना, अब क्या होगा मोलल के बी दिखा है, स्थिरांक दिया है 2.67। अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार मतलब एम ज्ञात करना, क्वेश्चन मान पता ना लगाइए। अब मोलल के लिए कहा तो यहाँ पर 100 की जगह 1000 हो जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला वही होगा आपका, 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी बी, ठीक है। एम निकालना है आपका, मान रखेंगे 1000 इंटू के बी कितना है आपका 2.67 और स्मॉल डब्लू कितना है आपका 2.5 और देखिए कैपिटल डब्लू कितना है 100 और डेल टी बी 0.4, ठीक है इतने मान लिया। अब जब इसका हल करेंगे आप समथिंग ही आएगा आपका 158 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है ये जान लेना, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके पहले हम 11 क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में करवा चुके थे, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं तो इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ मोलल की कहा था इसलिए यहाँ पर 1000 किया, मोलल में 1000 करते हैं। आइए ये सभी क्वेश्चन थे, अब आइए अगले क्वेश्चन पर, देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन पर अब बात करेंगे, हिमांक पर आ चुके हैं हम अभी तक, हमने हिमांक के क्वेश्चन नहीं किए थे और हिमांक पर हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है 0.72 ग्राम को 15 ग्राम अलग है, ये छोटी मात्रा है तो छोटा डब्लू, ये बड़ी मात्रा है तो ये बड़ा डब्लू, बार बार कहता हूँ बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, डिग्री सेल्सियस से टी और हिमांक की बात आ गई तो फ्रीजिंग अर्थात एफ अर्थात लिख दी डेल टी एफ, और क्वथनांक की बात हुई तो बॉइलिंग, और क्वेश्चन दिया मोलल, मोलल दिया के बी ने कहेंगे अब एफ कहेंगे क्योंकि हिमांक की बात हो रही ना फ्रीजिंग की 50 है, ठीक है। अणुभार ज्ञात करने क्वेश्चन सूत्र लगाइए, एम बराबर 1000 इंटू अब के एफ बी हो रहा था तो हिमांक आगा तो एफ हो जाएगा स्मॉल डब्लू अब ऑन डेल टी बी होता था तो एफ आ जाएगा हिमांक है और कैपिटल डब्लू, देखिए 1000 के एफ कितना है 50 स्मॉल डब्लू कितना है 0.72 डेल टी एफ कितना है 2.4 कैपिटल डब्लू कितना है 15, ठीक है ये स्मॉल एम के इक्वल कर, ठीक। अब ध्यान देना इसको 7 5 15 हो सकता है, ठीक है इधर से करिए 3 2 6 3 6 12.42, ठीक इसकी दशमलव हटाई इधर मेरी 0 हटाई 24 से गया 1 बचा 10 1 0 0 करा कितना बचा 100 केवल ही बचा तो एम बराबर कितना आ जाएगा आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है मैं समझ में आ गया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चाहिए, अब रेड पेन पेन से करते हैं मान सॉल्व इसको थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। देखिए अगले क्वेश्चन में देखें एक लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत सुपर दूंगा मैं आपको, बहुत समझाने योग्य होगा और बहुत ज़्यादा समझने योग्य होगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको कुछ समझ में आती है और ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। 1.822 देखिए 1.822 ग्राम यौगिक 100 ग्राम बताइए कौन बड़ी मात्रा है, ये बड़ी मात्रा है बड़ा ये कौन सी मात्रा छोटे छोटे डब्लू, अणुभार अणुभार कहला था एम 155, हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस मतलब हिमांक की बात होगी तो डेल टी एफ होगा, बेंजीन के मोलल और नमन स्थिरांक के
अवनमन एफ के निकालना है। लेकिन मोलल की बात किया तो मोलल की सीधी सीधी बात है कि मोलल के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं उसका थोड़ा डाल लीजिए। तो सूत्र वही होगा, एम इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल डब्लू, ठीक, इंटू के एफ होगा कैपिटल डब्लू इंटू डेल टी आर। वही मतलब नाई के मान रखा है हमने, कंडीशन वही है आपकी। हाँ देख लीजिए, एम कितना है आपका 155 इक्वल टू 1000, स्मॉल डब्लू कितना है 1.822, के एफ कितना है आपका निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 100 और डेल टी एफ 0.60। क्या जुड़ा का हल कर रखते हैं, 2 से चले जानी है, ठीक है, जुड़ा करें तो के एफ इक्वल जो आंसर आएगा आपका समथिंग निकल के वह आएगा 5.10, ठीक है। इसको हल करके देख सकते हैं आप। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पहले बता दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में निश्चित मिलेगा। चलिए, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान लीजिए, जो आपका समथिंग ही समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में संभवतः निश्चित है कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 की 7 ग्राम को 100 ग्राम जल में, ये कॉमन सी बात है, 7 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलेय करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर यह 70% भी होता है, यह 70% क्या होता है वियोजित, और 70% वियोजित होने का मतलब समझ है ना, 70% वियोजित होता है, कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिख कैसे हल करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले वियोजित करिए, कैल्शियम नाइट्रेट को आप सबसे पहले क्या कर दिए, वियोजित को होल्ड ऑयल, इसको वियोजित करेंगे देखो क्या होगा, आप जानते हैं Ca2+N2NO3- होगा, यदि होगा अब वियोजित होता है 70% वियोजित होता है, तो इस वाली ये 1 है तो ये 0 और 0 कब, प्रारंभ में, अब 1 में से कुछ अल्फा परमाणु निकले क्योंकि 70% वियोजित होता है, तो कुछ अल्फा इसमें से निकलेंगे तो ए भी अल्फा बनाएंगे, ए भी अल्फा बनाएंगे, लेकिन ए तो 2 है तो क्या बनेगा 2 अल्फा, कब, साम्य की स्थिति में, ठीक है। तो इसमें कुल मोलों की संख्या निकाल लें हम, कुल मोलों की संख्या, या कुल मोलों की संख्या कहते हैं, या 1/2 गुणांक का मतलब क्या होता है स्मॉल आई, बराबर क्या निकालेंगे, वियोजन की बादलों की संख्या, तो वियोजन की बादलों की संख्या कौन है, ये सभी, तो 1 - α + α + 2α, तो इस अल्फा से गया तो 1 + 2α, और अल्फा का अल्फा होता क्या, वियोजन की मात्रा, तो 1 जाके चले गए प्लस 2 जाके था, अल्फा कितना है 70% भी होता है, तो 70% मतलब 100 हटाया, ठीक है, 0 से 0 गया, 7 × 14 तो 1 + 14/10 मतलब 1 + 1.4, इसका मतलब स्मॉल आई बराबर कितना आएगा 2.4, आए समझ में आएगा, दोबारा आप जान लीजिए, वो खुद कहता है कैल्शियम नाइट्रेट को 70% में होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट को हमने वियोजित कर दिया, जब ऐसा क्वेश्चन कहे तो तुरंत वियोजित ही कर दीजिए, तो 1 प्रारंभ में 1 इसका मान, तो 0 0 उत्पाद बनेंगे, और इसमें से अल्फा वियोजित हुई तो अल्फा 2α निकले क्योंकि ये अल्फा था, ये 2 थे 2α हो गया, तो 1/2 गुणांक आई निकाल लीजिए तुरंत, तो बस इसका निकालेंगे अल्फा वियोजन के बाद 70/2.4 का। अब वो क्या कहता है पराशरण दाब बताइए डियर, क्या कहता है देखो पराशरण दाब बताइए, तो मतलब पराशरण दाब बताने का मतलब पी क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो दिया क्या है, एक एक करके देखना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे कर करके, ठीक है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा,
यही आएगा, या ऐसा कर ले रहा हूँ, रुक जाना एक मिनट के लिए, नहीं कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 ग्राम को तो देखो 7 ग्राम मतलब स्मॉल डब्लू 7 ग्राम है, 7 ग्राम को क्या करेंगे 100 ग्राम, 7 ग्राम को 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब कैपिटल डब्लू। ठीक है, इतने हो जाएगा। 7 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 70% भी होता है, तो विलयन का पाषाण आप देखिए। ठीक है, इस प्रकार करना है। देखो हमारे पास देखो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है, तो भैया जब स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू साथ में हूँ तो ये कैसे सूत्र है, वो है पी माइनस पी एस बटे पी। ठीक है, क्योंकि वो खुद कह सकता है, देखो ये बधान ने दबा सुन लीजिए, क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन कहता है बिलियन का पाषाणदाब, तो परास बिल ओनली बिल पाषाणदाब नहीं कहा उन्होंने, बिलियन का कहा, इसलिए हमें यहाँ क्या हो जाएगा पी एस होगा। ठीक है, बिलियन का तो पी एस, तो बस सूत्र लगा दी पी माइनस पी एस बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एफ एंड कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एफ, 1/2 गुणा गई तो स्मॉल आई गुणा होगा। अब बस सब मान लग दीजिए, पी कितना रखेंगे 760 mm होता ही है, और ये पी एस अपन 760 स्मॉल डब्ल्यू आप खुद जानते हैं 7 ग्राम, कैपिटल एम का है, कैपिटल एम आपका जल का हो जाएगा तो 18 मान लीजिए, और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू 100। बेंजीन की बात करी थी, नहीं कैल्शियम नाइट्रेट की बात करी थी, तो कैल्शियम नाइट्रेट होगा 164। ठीक है, स्मॉल आई का मान होगा 1.4। तो टोटल आप हल करिए तो पी एस इक्वल टू आपका आंसर रहेगा 746। ठीक है, यहाँ दोबारा सुन लीजिए, आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि लग गया, अब क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। कैल्शियम का यहाँ तो समझ में आएगा कि स्मॉल आई कैसे निकालते हैं, लेकिन वो कहता है बिलियन का पाषाणदाब, तो पाषाणदाब को लिखते हैं पी, बिलियन का हाथ हो गया पी एस, पाषाणदाब को लिखते हैं पी, बिलियन का हाथ हो पी एस, इसको ध्यान देना। अब भैया पी एस आ गया तो समझिए राहुल किन्नी का नियम के अकॉर्डिंग लगेगा, तो लगा दिया पी माइनस पी एस बाई पी स्मॉल कैपिटल एम कैपिटल वाटा गुणा एक गुणा कर दिया। भैया आप कहोगे 760 कहाँ से आया, तो भैया आप जानते हैं कि एस टी पी हो या एन टी वाला सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर पाषाण वाजदाब या पाषाण दाब जो 760 होते ही है निश्चित हो जाएगा, तो पी एस निकालना है इसलिए लगा लिया हमने। अब 18 क्या है, कैपिटल एम जल, जल का होता है जल में विलय करने पर, कह रहा ना देखो क्या लगा जल में विलय करने पर, और जल में विलय कर रहा है मतलब जल विलय हो रहा है तो ब्लैक हो गया, तो ये हो गया, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट का निकाल सकते हैं, देखो सी ए एन ओ थ्री का होल टॉय कैसे, कैल्शियम कितना होता है 40 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14 और सी कितना होता है 16 × 3 और पूरे का होल टॉय, तो इसका निकालेंगे 164 निकलता है, समझ रहे 164 निकल के आ गया, समथिंग इतना ही निकलेगा, और इसको ही आपके सामने स्पष्ट रूप से दिया है मैंने। ठीक है, अब दोबारा ऊपर से नीचे देख लीजिए, जिससे आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, देखो। ठीक है, तो डियर ये आपका वास्तविक रूप में अगर देखा जाए सही से तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा आज उतना ज़्यादा सही से नहीं समझाया है मैंने जितना पहले लेक्चर में आपको बताया था, मुझे ऐसा आभास भी हो रहा है। इस जानकारी लेकर मैं आपको बता दूं, बिलियन लेसन का एक लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, और सॉल्यूशन अर्थात थ्योरेटिकल की बात नहीं करता हूँ, किसकी बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स की अंकित प्रश्न की, और ये आपका दूसरा है। ठीक है, आप पहला नहीं देखा हो तो आप पहला देख लीजिए, क्योंकि पहले में मैंने बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बताया और दूसरे में थोड़ा अभी जल्दी जल्दी में आ जाए। ठीक है, और कुछ समय के बाद जब आप दोनों देख लेंगे तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से मैं आपको बाद में भी दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप और अच्छे से इनको हल कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको अति अनिवार्य होंगे और आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है, इन दोनों को देख लीजिए, फिर भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। थ्योरेटिकल रूप या पूरा लेसन का थ्योरी रूप हमने आपको पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए थ्योरी रूप आपको समझना है तो आप उसको भी देख लीजिए। इसी HP केमिस्ट्री क्लासेस में आपको यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा, बस उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक वीडियो को देखना होगा,
ये जो आज का जो सवाल है ये आपके लिए बेहद ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी ध्यान देना, ठीक है। कोई समस्या हो, उन्हें लगता हो गलत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, ठीक है। धन्यवाद।